हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं होममेड नारियल का बुरादा बनाने वाला हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है, आप घर पे आसानी से बना सकते हो। मार्केट का जो नारियल बुरादा है उससे इसका टेक्सचर बहुत ही रिच है, उसके अंदर ऑयल नहीं रहता, ऑयल वो निकाल देते हैं। तो ये घर का है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है और ये बहुत ही बढ़िया रहता है। और आपको किसी भी डिश के अंदर या स्वीट्स के अंदर नारियल का बुरादे का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो क्लिप अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नारियल का बुरादा बनाने के लिए जैसे सूखे नारियल लेना है और उसको नाइफ से ऊपर वाला पार्ट हल्का सा काटना है, और आप इसको नाइफ से भी पील कर सकते हो और पीलर से भी कर सकते हो। इजी नहीं है तो बड़ी केयरफुली करना है, तो आप पीलर से भी ऐसे पील कर सकते हो। सारे नारियल को छीलना है इसको अच्छी तरह, आप पीलर से भी कर सकते हो, अच्छी तरह पील करना है। फिर से सारे नारियल मैंने ये पील कर दी है, अब इसको ग्रेट करेंगे। नारियल को अभी इसको ग्रेट करेंगे, तो ग्रेटर से जो पतला वाला पार्ट है उसको आप ऊपर से पकड़ के नीचे से स्लोली स्लोली इस तरह से आपको ग्रेट करना है। इसके छिलके रह जाते हैं लाइक इस तरह से, उसको आप छोटे छोटे नाइफ से काटना, ग्रेटर से नहीं काटना है क्योंकि हाथ में लगने का डर रहता है। तो इस तरह से उसको साइड करके बाद में नाइफ से काट सकते हैं। ये देखिए हमारा नारियल अच्छी तरह ग्रेट हो गया। मार्केट का जो नारियल होता है उसके अंदर रिचनेस नहीं होता है, वो ऑयल है ऑलरेडी निकाल देते, तो ऐसे ड्राई ड्राई से होता है। कोकोनट अच्छी तरह कद्दूकस हो गया है, इसको जार के अंदर डाल के इसको पीसेंगे। तो मैंने जार ले लिया है, जार के अंदर मैं जो ग्रेट किया हुआ है यानी कद्दूकस किया हुआ कोकोनट में डाल के इसको मिक्सी के अंदर अच्छी तरह पीसेंगे। पीसते टाइम ध्यान रखना है कि इसको 4 से 5 सेकंड ब्लेंडर को चला के फिर रोक के फिर इसको मिक्स करके फिर वापस पीसना है। कंटिन्यू पीसेंगे तो इसके अंदर ऑयल निकल जाएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो अभी इसको मैं जार में पीसूंगा। ये देखिए होममेड नारियल का बुरादा तैयार हो गया है और ये अच्छी तरह पिसा हुआ है, ये देखिए बहुत ही बारीक तरह से। और आप इसको इस तरह से आप इसको स्टोर करके आप किसी भी डिश के अंदर या स्वीट्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कॉमेंट्स बॉक्स।